प्रिया के मम्मी पापा का ट्रांसफ़र होने के बाद से प्रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी प्रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। दोनों दादी पोती की आपस में बहुत बनती थी। वो दोनों दादी पोती बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे की रिंग होती है। दादी कहती है कि इस वक्त कौन होगा बेटा प्रिया, तुम जाके दरवाज़ा खोलो, पहले पूछ लेना कौन है। प्रिया बोलती है हाँ दादी। दादी भी प्रिया के पीछे जाती है और वो लोग देखते हैं वहाँ एक भिखारी था। भिखारी प्रिया को बोलता है मैडम जी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, दो दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। प्रिया भिखारी को कहती है जाओ जाओ यहाँ कोई खाना नहीं है, मैं तुम जैसे भिखारियों को अच्छे से जानती हूँ, कमाने की कोशिश तो करते नहीं हैं और यहाँ वहाँ मांगते फिरते हैं। प्रिया झटक कर भिखारी और भगा देती को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दादी सोचती है कि कभी भी किसी भी भूखे को घर से बाहर वापस नहीं भेजते हैं, पर प्रिया दादी की एक नहीं सुनती है। थोड़े दिन बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दादी प्रिया को दरवाज़ा खोलने को कहती है। इस बार भी कोई भिखारी दरवाजे पर रहता है और वो प्रिया को कहता है बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत दिन से भूखा हूँ। प्रिया इस भूखे भिखारी को भी खाना नहीं देती है और बहुत गुस्से से बोलती है चुप से यहाँ से चले जाओ, भागो यहाँ से, यहाँ कोई खाना नहीं मिलता है। इस तरह वो भिखारी को झटकते हुए कहती। अगले दिन फिर कोई भिखारी आता है, प्रिया उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है और उसको भी खाना नहीं देती है। दादी ने सोचा कि कैसे मैं प्रिया को सबक सिखाऊं। दादी सोचती है कि कैसे प्रिया को भूख का एहसास दिला के किसी और की भूख के बारे में सिखाया जाए कि कभी भी किसी भी भूखे इंसान की मदद करनी चाहिए। तभी दादी को एक तरकीब सूझती है और दादी खुश हो जाती है। अगले दिन संडे का दिन था। प्रिया अपने दोस्तों के साथ खेल के आती है और दादी से कहती है दादी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दीजिए। प्रिया हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और दादी को कहती है दादी जल्दी खाना लाओ। तब दादी कहती है बेटा प्रिया मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, पर वो खाना गलती से मेरे से गिर गया और आज संडे है, बाहर भी सभी होटल बंद है, अभी खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे में मैं क्या करूँ बेटा। प्रिया ने दादी से तो कह दिया कोई बात नहीं दादी, खाना गिर गया तो और खाना बनने में टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं दादी, आप परेशान मत होइए। प्रिया ने दादी को तो बोल दिया, पर उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वो भूख के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी और रो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तब दादी प्रिया को समझाती है देखा बेटा प्रिया तुमको भूख की अहमियत का पता चला ना, उसी तरह तुम उन भिखारियों को जो भूखे रहते थे तुमसे खाना मांगते थे, तुम उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उन्हें कैसा लगता होगा, उन्हें खाना नहीं देती थी। दादी प्रिया दादी को रोते रोते कहती है हाँ दादी मुझे समझ में आ गया कि इंसान के लिए खाना कितना ज़रूरी है, एक भूखे इंसान के लिए खाने की क्या अहमियत होती है। प्रिया ने दादी को बोला। तब दादी बोली बेटा प्रिया मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, घर में तो खाना बना है। प्रिया ने दादी से कहा हाँ दादी मैं अब समझ चुकी हूँ, अब मैं कभी भी किसी भी भूखे भिखारी को बिना भोजन दिए हुए नहीं जाने दूंगी।
तब दादी बोलती, चलो अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इस तरह दादी ने प्रिया को सबक सिखाया।